हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है जो वेडिंग कार्ड्स हैं, तो वो मैंने पीओ में छपवाने के लिए दिए थे और आज मैं वो लेने गई थी, तो वो सब मैंने आज शूट किया। और साथ ही साथ आज मैंने जो जहाँ से भी मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, मतलब बच्चों की या फिर अपनी, वो सब मैंने आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप सूट कहाँ से लेते हो, बच्चों के कपड़े कहाँ से लेते हो, वो सब मुझे पूछा जाता था। तो मैं चलो आज इसी बहाने दिखा भी देती हूँ। जब गई हूँ तो आज फुर्सत से मैंने शूटिंग कर, मतलब शूटिंग नहीं, मतलब शूट कर लिया जो भी था वो सब कुछ। तो आज मैंने वो शॉप वगैरह सब कुछ दिखा दिए, तो आगे व्लॉग में आपको वो सब कुछ दिखेगा। और वेडिंग कार्ड्स जो थी वो आज छपके तैयार हो चुकी थी, तो मैंने वो घर भिजवाने थे तो इस करके मैं गई थी, और वो काम मेरा था जो भी था वेडिंग कार्ड वगैरह का, तो इसलिए आज वो सब कुछ मैं निपटा के आ गई। तो आज आपको वो सब दिखने को, मतलब वो सब देखने को मिलेगा। तो शाम के इस टाइम टाइम हो रहा है 6 साढ़े 6 का, तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं इस ब्लॉग का मैं डिटेल बता दूं पहले और उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करूं, तो आपको ब्रीफली समझ आएगा। तो इस करके तो देखिए आप मेरा ब्लॉग, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो जाइए और देखिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, और रात में हल्की हल्की बारिश हुई है, तो ये देख सकते हैं आप। तो रात में बारिश हुई थी और पता नहीं मौसम ऐसे ही बना हुआ है, कभी बारिश कभी धूप, तो इस तरीके का है। और आप देख सकते हो कि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ना अब स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि ठंड बढ़ चुकी है, मतलब धीरे धीरे हो रही है ठंड, तो पहाड़ों में अब बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है और मौसम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का टाइम है और हमारे यहाँ लेबर लगे हुए, तो उनके लिए दाल बना रही हूँ और साथ ही साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए कोफ्ते बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ और फिर चलते हैं पीओ की तरफ। तो चलिए फिर। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। टाइम हो चला है 1:30 का और मैं जा रही हूँ पीओ, क्योंकि जो शादी के कार्ड्स थे वो मैंने छपवाने के लिए दिए थे, तो वो सब मैं लेने जा रही हूँ, तो आगे मैं आपको दिखाऊँगी, तो बने रही मेरे साथ। तो मैं वेडिंग कार्ड्स लेकर आ चुकी हूँ। मैंने कार्ड छपवाने दिए थे पीओ में, तो ये कार्ड मैं घर भिजवा रही हूँ, और काफ़ी जल्दी में थी तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया वहाँ पर, और मैं अभी जल्दी जल्दी जा रही हूँ बस स्टैंड, और वहाँ पर मैं ये कार्ड दूंगी। और आप सबको बता दूं कि अभी मौसम इस तरीके का बना हुआ है, मतलब बादल है और धूप भी है हल्की सी, तो मौसम कुछ इस तरीके का है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये शादी है 16, 17, 18 अक्टूबर की, तो बाकी सारा आपको मैं आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ को, तो मैं आज आपको साथ ही साथ हमारे रिकोंगपियो का बस स्टैंड भी दिखाऊँगी कि कैसा है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं कार्ड देने, मतलब बस में हम भिजवाएंगे और फिर घर वाले ले लेंगे, क्योंकि बस जो है वो मेरे घर तक ही जाती है, तो इस करके हम जा रहे हैं बस स्टैंड। तो चलिए फिर आज आपको मैं दिखाती हूँ हमारा बस स्टैंड। Yeah.
चलती हूँ मैं, पहले बस पता कर लेती हूँ बस आई है या नहीं। और आप सबको सच सच बता दूँ कि ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस जो बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही है, और यहाँ से अंदर जाते हैं बस स्टैंड के लिए। तो जाती हूँ मैं और बस पता करती हूँ बस आई है या नहीं। और ये है रिकोंगपियो का बस स्टैंड, तो आप देख सकते हैं। और चलिए फिर एक बार पता कर लेते हैं बस आई है या नहीं। मैं आई तो थी बस के लिए, बट अभी बस आई नहीं है, थोड़ी देर में आएगी। तब तक के लिए चलते हैं, मेरे कैमरे में पानी आएंगे, तब तक के लिए गाड़ी में बैठते हैं। तो कार्ड वगैरह मैं देख के आ चुकी हूँ और बस नहीं आई जो मेरे घर तक जाती थी, तो मैंने दूसरी बस में भिजवा दिया है वो सब कुछ। और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार की तरफ को, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो चलिए फिर ले चलती हूँ आपको मैं बाज़ार, और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदती हूँ या फिर कौन कौन सी शॉप में जाती हूँ और वहाँ से क्या लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। मैं लेने आई हूँ यहाँ पर फ़ोन का कवर, और ये रही शॉप, और कुछ इस तरीके का है ये कवर, और जैसे देखिए ही बचा हुआ था और क्योंकि मैंने फ़ोन भी यहीं से लिया था, तो मैं कवर लेने भी यहीं पर आई हूँ। और काफ़ी अच्छी शॉप है, और आप यहाँ देख सकते हो सामान भी है यहाँ पर काफ़ी कुछ। हो हाय, चलो तो अभी हम जा रहे हैं सूट लेने। मैंने सिलवाने दिया था, और मैं सूट कहाँ से लेती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वाली शॉप भी। और सामने मेरे हॉल है, तो चलिए चलते फिर। अभी हम वैसे शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं। चलो चलो, ये वो अंकल जो हमारा सूट लेते ना, उसे अंकल जी वीडियो बना रहे हैं आप, वीडियो बना रहे अंकल, यूट्यूब पे देखते आप मेरे को। तो सूट लेके मैं आ चुकी हूँ, और ये है वो शॉप जहाँ से मैं विहान और विवान के कपड़े लेती हूँ, और ये है वो भैया और इनकी शॉप है ये। और यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस है लेने के लिए, तो बहुत कुछ है। तो ऐसे बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है, वही है सारा पूरा का पूरा। हेलो तो बोलो, नमस्ते तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या चाहिए क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए इसको, आइसक्रीम और मोमोज था। ठीक है फिर, ठीक है भैया, चलो आ जाओ, चलो लेट्स गो आउटसाइड। हाँ जी बेटा, हाँ यहाँ से ना खिलौने वाली शॉप भी वैसे बंद है। हाँ गाड़ी चाहिए, कुछ और डिमांड है आपके इसके अलावा? अभी तो लाया परसों गाड़ी, और कौन सी गाड़ी चाहिए, मुँह नहीं नई गाड़ी मांगते आप है ना, चलो दे दूंगी मैं आपको नई गाड़ी, रुको दूंगी ना, चलो तो ये है वो सूट वाली दुकान जहाँ से मैं सूट लेती हूँ, और ये है साथ SBI बैंक के साथ में ही। और चलिए चलती हूँ, ले चलती हूँ मैं आपको अंदर। तो ये शॉप है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी है, तो चलिए। हाँ तो ये शॉप है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर कपड़ों के, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये भैया है जो हमें हमेशा काफ़ी अच्छे अच्छे सूट दिखाते हैं, और ये अंकल है यहाँ दुकान के मालिक। तो ये है वो शॉप, टिमू आप क्या खाने आए बताओ, क्या खाने आए हो बताओ, मोमोज। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस, और
यहाँ पे मुझे पापा जी भी मिले हैं और पापा जी भी घर आ रहे हैं। पापा जी मीन्स ससुर जी, तो वो मिले थे और अब वो तो सब गाड़ी में है और मैं आई थी यहाँ, थोड़ा मुझे काम था। तो जो मैंने शूट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि यार इतना टाइम भी नहीं लगा। और हम अभी आए थे दीपक का कोट सिलवाने के लिए, जो उनका कोट होता है जो हमारे यहाँ पर शादी में पहना जाता है, तो वो सिलवाने के लिए आए थे। और तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो चलते हैं। हाँ चलो, क्या हो गया? तो ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिया आज, थोड़ा बहुत लिया है और बस वो थोड़ा बहुत खाने का सामान, और साथ ही साथ ये वो सूट है जो मैंने शादी के लिए सिलवाने के लिए दिया था। तो ये मैंने मेहंदी के लिए सूट सिलवाया है और फ़ोटो मैं आपको मेंशन कर दूंगी साइड में। और साथ ही साथ मैं एक सूट लेकर के आई हूँ आज, ये है मोटा सूट, और मतलब मोटा सूट मीन्स काफ़ी अच्छा सूट था, काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका। मम्मी जी और मेरे लिए मैं लेकर के आई हूँ और अब चलते हैं वापस। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो टाइम हो चला है 5 का और मैं घर आ चुकी हूँ फाइनली, और साथ ही साथ कुछ नहीं, तो साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो मैंने सामान वगैरह था वो लिया, और थोड़ा बहुत कुछ मतलब सिलवाने देना था वो सब कुछ किया है, बस वो सब काम रहता था। और अब कुछ टाइम बाद हम फूल भी बनाएंगे, मतलब 2-3 दिन के अंदर हम वो सब काम करेंगे क्योंकि अब टाइम हो चला है शादी का। मतलब शादी 17-18 अक्टूबर की है, 16 को मेहंदी है, 17 को भारत जाएगी और 18 को हमारी किन्नौरी में तो वेडिंग बोलते हैं, उस दिन वेडिंग क्या होता है वो तो मैं आपको चलो तब बताऊंगी। तो वो सब है और मुझे ना अपना फेस देखे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ना जो मेरे ये दाग है ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लो तो इस करके। और बाकी मौसम खराब है, बादल है सब कुछ है मतलब, तो इस करके। और विमान है मेरे साथ और कुछ नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आने वाले टाइम में भी जो भी मैं व्लॉग लगाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और आपको लग रहा हूँ मैं ऐसी भूत क्यों बनी हुई, तो सच में यार मैं बहुत भूत बन गई हूँ। तो कहीं बार मैंने अपना फ़ोन निकाला था एडिटिंग मतलब वीडियो बनाने के लिए, और कहीं मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं बोल रही थी। तो चलो जो जो शूट किया मैं वो आपके साथ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, कुछ नया लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।